आर्मी एरिया, तो यहाँ पे आर्मी वालों की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जो प्रॉपर वैली बनी हुई है ना, वो है ये वाली लोकेशन। ये है प्रॉपर लोकेशन जो वैली बनी हुई है। यहाँ से पीछे से देखोगे तो ये है, ऊपर स्नो है, है? ऊपर स्नो होगा। नहीं दिल्ली जा, वहाँ श्रीनगर जाना है। ऐसे तो आज नहीं जा पाओगे। क्यों? आज स्नो होगा। बहुत ज्यादा है? ज्यादा भी नहीं होगा लेकिन ठीक ठाक होगा। लोगों के साथ जो जा रहे होंगे टूर, उनके साथ निकल सकते ना? जब गाड़ियाँ निकलेगी ना, हाँ हाँ, तब निकलना है, ऐसे नहीं निकलना। ठीक है, वहाँ पहुँच के रुक जाऊँगा, गाड़ियाँ तो जाती रहेंगी। जो आता है ना नीचे जहाँ पे एंट्री होती है, वहाँ पे रुक जाना, जब गाड़ियाँ निकलेगी तभी निकलना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जिस चीज का डर था वही चीज हुई, इसी रोड पे स्नो। स्नो पड़ी हुई है, कल जो उनसी स्नो पड़ी है यहाँ भी पड़ी है। पेड़ों में से देख रहे होगे तो पानी भी गिर रहा है, क्योंकि पेड़ों पे भी कुछ स्नो रुकी होती है। ये देखो, मेरे भी मुंह पे पानी आ रहा है हल्का हल्का। सो स्नो देख लो, बिल्कुल फ्रेश स्नो है, ये रात को ही पड़ी है। और अभी पीछे कुछ लोग मिले थे, उनसे अच्छी बातचीत हो गई, जान पहचान हो गई, तो उन्होंने कहा कि आप धीरे धीरे चलो आगे, हम आपके पीछे ही आ रहे हैं, तो कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हम आपको हेल्प भी कर देंगे। बाकी ये फ्रेश स्नो है तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन जो ब्लैक एक यहाँ पे, मुझे नहीं समझ आ रहा कि गोप्रो बार बार बंद क्यों हो रहा है। बैटरी चेंज कर ली है, स्नो फुल है। सो भी जैसा मैं बता रहा था, आई डोंट नो कि रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, पीछे कुछ लोग मिल गए थे जिन्होंने मुझे कहा जो चाय पी लो, तो देख के थोड़ा उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ यार इतनी दूर बंदा आया हुआ है। सो उन्होंने चाय पिलाई, उन्होंने कहा आप धीरे धीरे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, ताकि अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हम हेल्प भी कर देंगे। शाइन देखो कितना मार रही है स्नो। ऐसे ही रुका तो देखा कि यहाँ नीचे भी सारी बर्फ पड़ी हुई है, सारी स्नो इधर पड़ी हुई है। पीछे भी देखोगे तो क्या प्यारा व्यू लग रहा है। और अभी जहाँ मैंने जाना है, जहाँ से जाना है वहाँ पे भी स्नो है, देखते हैं कितनी स्नो मिलती है उधर। ऑफ रोड भी पैच बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। रेत थी बहुत जिस वजह से ये स्लिपरी होता था, अब यहाँ पे ये पत्थर डाल रहे हैं ताकि वो पत्थर से थोड़ा रेता कम हो जाए। यहाँ पे पड़ी हुई है, इधर से मैं आया हूँ, इधर मैंने जाना है, और यहाँ पे ये नज़ारा है। सो इधर से देखते हैं, फ्रेश स्नो पड़ी है, ये देखो ये बिल्कुल फ्रेश है। ये लो, ये लो, ये पूरी क्रश होगी, बहुत सॉफ्ट है।
और उठाए पैर छाप देते हैं ये। तो सही मुझे किसी ने कहा था एक एक फुट बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन ये एक फुट तो नहीं, थोड़ी कम ही है, एक फुट तो नहीं है, लेकिन नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त है। अब अगर यहाँ पे हमने फ़ोटो ना क्लिक करी तो आने का मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिल चिल मौसम हुआ पड़ा है। जो पिछले पहाड़ी थी उसी पे स्नो पड़ा है, अब नहीं मिली। बाकी कुछ नहीं पता, लग तो रहा है मुझे कि यहाँ नहीं पड़ी बिल्कुल भी स्नो, बट बारिश आई है। अगर पड़ी होगी थोड़ी बहुत तो यहाँ पता लग जाएगा, अभी तो पता नहीं लग रहा है। क्या करें, एंजॉय करो। देखो जब अकेले सोलो रोड ट्रिप होती है ना, जब सोलो रोड ट्रिप होती है ना, तो ऐसे ऐसे विचार निकलते रहते हैं, तो उसको इग्नोर करके आप नेचर को एंजॉय करो और मेरी बातें सुनते रहो, मज़ा आएगा आपको। सो मैं सही बताऊँ, पहले मुझे थोड़ा रिस्की टाइप का लग रहा था, मैंने कहा यार स्नो पड़ गई है कहीं वो जम ना जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पड़ती, इतनी वैसे भी इतनी जल्दी नहीं जमती, जब गाड़ियाँ निकलती रहती हैं ना तब वो जम जाती है और वो ब्लैक आइस में बन जाती है, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ वैसे ही कम आती है तो ब्लैक आइस जमने की बात ही नहीं। और वैसे भी वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर वाले हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, अभी सुबह सुबह मिले थे मुझे, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी जम भी जाएगी ना कुछ जगह जहाँ पे स्नो पड़ जाती है, तो वहाँ पे हम पूरा ध्यान रखते हैं और वो साथ के साथ क्लियर कर देते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे स्नो पड़ जाती है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वाले ऑलरेडी रहते हैं, तो सही था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सच। अब यहाँ से देखते हैं, अभी इंटरनेट कनेक्शन आया नहीं है, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क आएंगे तो देखते हैं कि यहाँ से श्रीनगर कितने किलोमीटर है। मेरे अप्रोक्सीमेटली यहाँ से होगा 150 किलोमीटर के करीब, बाकी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो। थोड़ा ये करना चाहिए बड़े यूट्यूबर्स को कि यहाँ ट्रैवल करो, क्योंकि देखो आपकी रीच ज़्यादा है, हमारी रीच उतनी नहीं है, आपकी रीच ज़्यादा है। अगर आप आओगे ना इन जगहों पे तो आपको देखा देखी और भी लोग आएंगे, तो इस तरह से आप एक, मैंने क्या किया था, मैंने कश्मीर का मैप उठाया, मैप उठा के मैंने देखा कि क्या क्या है कश्मीर में, तो और उनमें से किसके बारे में मैंने सुना हुआ है। ये एक वैली थी जिसके बारे में मैंने नहीं सुना हुआ था, मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा, और श्रीनगर तो जाना ही था, वो भी ऑन रूट पे था। तो एक ये चीज़ ज़रूर करो कि ऐसी जगह भी विज़िट करो ताकि यहाँ पे भी जो होटल्स हैं वो खुले नए, क्योंकि वहाँ पे कोई आता ही नहीं है, जब कोई आएगा नहीं तो वो होटल खोलेगी किसके लिए, जब लोग आना शुरू होंगे तो होटल्स भी खुलेंगे। चलो कोई नहीं, बाकी हमने अपनी तरफ से कोशिश करी, मैंने जिनके घर गया था मैंने उनको थोड़े पैसे भी दे दिए, उन्होंने ही बताया था कि अर्निंग सोर्स हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कुछ कमाई नहीं होती हमारी। आप ऊपर से अगर देख रहे हो रेलिंग्स, वो सारा उसके आगे सारा आर्मी एरिया है। मेरे को पहले लगा था, क्योंकि वहाँ से फ्लैग दिख रहा है तो मुझे लगा था कि ये आर्मी एरिया है, बट मेरे को लगा शायद होगा कुछ और। कोई नहीं, बस करो फुल मत है, बस 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 बहुत है। कार्ड हो जाएगा। खाने में इतना मस्त हो गया था कि भूल ही गया कि दिख बताना भी है, यही तो ब्लॉगर होते हैं। सो अभी यहाँ पे बैठा हूँ कुछ खाने के लिए, बहुत तेज़ भूख लगी थी, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। अभी यहाँ से श्रीनगर रह गया है कुछ 40 किलोमीटर, तो फटाफट से खाना खाते हैं, पराठा है आलू पनीर का, खाना खा के फिर मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। पेट पूजा अच्छे से हो गई है, अब हम निकलते हैं आगे की तरफ। और ये जो है ना, इसके साथ में बिल्कुल वो लगता है, क्या होता है आपका, आर्मी एरिया, तो यहाँ पे
आर्मी वालों की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इसके साथ 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 सड़क के साथ काफ़ी खड़े रहते हैं। सो अभी हमारे पास हमारा रास्ता बचा है। सो मेरा थोड़ा सा प्लान में भी चेंजेस है, मैं आपको बता दूं। मैं आज श्रीनगर नहीं रुक रहा हूँ, मैं आज रुक रहा हूँ गुलमर्ग, गुलमर्ग या सोनमर्ग में से एक रुकूंगा, ताकि वो मैं कल सुबह घूम फिर के शाम को दूसरी जगह अटेंड करके देन दोबारा से श्रीनगर आके स्टे कर सकूं। तो आज की मेरी जर्नी थोड़ी सी चेंज कर दी है मैंने। प्लान में दोबारा से चेंज हो गया। अब आप लोग कहोगे कि ये बंदा एक जगह टिकता नहीं है, दोबारा जगह चेंज करता रहता है बार बार, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था वीडियो एपिसोड की स्टार्टिंग में, ट्रिप की स्टार्टिंग में, कि मैं अकेला इसीलिए जाता हूँ क्योंकि मैं प्लान डिसाइड नहीं करता, रास्ते में प्लान डिसाइड करता हूँ, जगह डिसाइड कर लेता हूँ। तो जैसे इस बार जगह डिसाइड थी कश्मीर, तो इसलिए कहीं भी। अब मेरा प्लान चेंज, जो मैंने श्रीनगर से आपको कहा था गुलमर्ग, लेकिन नहीं, अभी मेरे पास टाइम बहुत है और गुलमर्ग थोड़ा पास में है मेरा। मैं जा रहा हूँ इस वक्त सोनमर्ग, सोनमर्ग में स्टे करूँगा, जो कि अभी यहाँ से 80 किलोमीटर और है। श्रीनगर में अभी हूँ और यहाँ से अगर आप बात करो उधर की गुलमर्ग की, तो वो यहाँ से बस 15-20 किलोमीटर का फ़र्क है। जो मैंने पिछले 10 से 15 किलोमीटर में की जर्नी में डिस्कवर किया कि जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट है ना, मोस्ट ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर है। तो हो सकता है कि जैसे क्या होता है कि कुछ जो अगर कुछ टेररिस्ट हैं तो वो वहाँ पे अपने बंकर ना बनाएं, इस वजह से आर्मी वाले पहले ही उस पर पूरी ध्यान रखते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में वो ना आए। हो सकता है, ये आई एम नॉट श्योर, ये हो सकता है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ने कहा है। अभी पिछले 10-15 किलोमीटर से मैंने देखे हैं करीब 6 से 7 अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, आर्मी वाले खड़े हुए हैं हर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। बाकी अभी मैं हूँ जगह बंदीपुरा, ये है बंदीपुरा और यहाँ से सोनमर्ग है आपका करीब 70 किलोमीटर। अभी मैं हूँ गगननीर, तो अभी काफ़ी देर किसी के साथ बैठ के बातें कर रहा था, तो रुका था मैं, तो जस्ट उनसे थोड़ी J&K को लेके कॉन्ट्रोवर्शियल जो बातें होती हैं वो डिस्कस कर रहा था। वो कुछ बता रहे थे यहाँ के बारे में सारी चीज़ें, पुलिस को लेके, आर्मी को लेके, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी तो आपको नहीं बताऊँगा। और उनसे फिर मैंने बात करी, मैंने कहा मुझे सेब के बाग देखने हैं, वो कहाँ देख सकता हूँ मैं? तो उन्होंने जगह बताई, फिर उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि मेरे पास ना कुछ सेब पड़े हैं बैग में जो स्पेशल हैं, वो अमेरिकन सेब उनको कहा जाता है, जो बेसिकली यहाँ से अमेरिका भेजे जाते हैं, वो सेब उनके पास पड़े हुए थे। तो उन्होंने 5 सेब मुझे दिए जो मैं आपको अभी वहाँ पे चल के दिखाऊंगा। सो अच्छा लगा, काफ़ी देर बाद बैठ के हमने बातें बातें करी, काफ़ी डिस्कशन करी, तो अच्छे बंदे थे, फिर सेब दे दिया उन्होंने तो मुझे और अच्छे लगे। जोक्स अपार्ट, सो यहाँ से सोनमर्ग रह गया है हमारा कुछ 10 किलोमीटर, तो सोनमर्ग पहुँचते हैं फटाफट से और होटल में चेक इन करते हैं और रेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ मैसअप हो चुका है, सो अब होटल पे अच्छे से चेक इन हो चुका है, सामान सारा आगे है। सो जो मैं एप्पल की बात कर रहा था, ये वाले एप्पल थे जो उन्होंने मुझे दिए थे, एक ये रहा, एक पांचवा ये रहा। सो आपको एप्पल उन्होंने मेरे को कहा था कि अमेरिकन एप्पल है, बहुत ज़बरदस्त होंगे, आई नो कि रेडिश तो बहुत ज़्यादा है, अभी खा के देखूंगा फिर मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि एप्पल कैसा था। सो आपको पता है क्या करना है कि अलग अलग
अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक जैसा कि सुबह मैंने वारवन जगह पे गया था, नई जगह थी, एक्सप्लोर करी थी, बहुत अच्छी लगी। आपको भी ये करना चाहिए कि जो पुरानी जगहें आपने देख ली है, एक जगह पे अगर ट्रैवल कर लिया वहाँ पे दोबारा मत जाओ, नेक्स्ट कोई अलग जगह चूज़ करो। सो अब आपको क्या करना है, मेरी जो मेहनत है उसका रिजल्ट आपको देना है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा से अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि ये ऐसी ऐसी न्यू प्लेसेस पे विजिट करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, बाय बाय, खा लो।